हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया हैं सब। मुझे ऐसी आशा है कि आपने मेरे पुराने सारे वीडियोस लगातार देख रहे होंगे। मुझे लाइक से भी पता लग रहा है, नए नए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उससे भी मुझे अंदाजा हो रहा है कि सारे स्टूडेंट्स जो मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं वो मेरे इस वीडियोस लेक्चर का लाभ उठा रहे हैं। तो मैकेनिक्स में हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो बल एक बिंदु पर हो तो उनके परिणामी बल का फॉर्मूला क्या होगा, और अगर कोई एक बल है उसके दो घटक क्या होंगे। अब हम उसी से आगे चलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ पर कोई एक बल F है और वो P बल के साथ अल्फा कोण बनाता है तो लंबवत घटक में ये Q होगा। तो आपको मैंने कहा था कि P बराबर जिसके साथ एंगल है वो cos अल्फा और Q इक्वल टू F sin अल्फा के बराबर होगा। तो इससे हम आगे चलते हैं। हमारे टॉपिक है एक बिंदु पर कार्यरत बहुत सारे बल हैं तो उनका परिणामी R और थीटा निकालना है। The resultant force of several concurrent forces. Concurrent means all forces are acting at one point. Okay. तो अब हम यहाँ से डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये आपका O point है। इस पर मैंने एक x axis और एक y axis बना दिया। इस x axis पर मैंने पहला फोर्स लिखा F1, जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा वन है, और मैंने दूसरा फोर्स ले लिया F2, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा टू है, और मैंने तीसरा फोर्स ले लिया F3, और इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा थ्री है, और मैंने एक इधर F4 ले लिया और इसका इसके साथ एंगल थीटा फोर है। तो इन सभी चारों बलों के कारण अगर मेरा परिणामी बल R है और वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है तो मुझे एक तो R चाहिए और एक मुझे थीटा चाहिए। आ रहा समझ में? ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने कहा था कि किसी बल का जिस डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हुआ है उधर कंपोनेंट कर लेंगे तो cos टर्म, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करोगे तो sin आएगा। अच्छा, दूसरा, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या मतलब है, क्षैतिज घटक, और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो मेरा फोर्स पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F3 और F4 है, और उससे एंगल मेरा थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री और थीटा फोर हो। तो मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है आर, और आर के साथ क्या आएगा, एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब आप समझिए, ये एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर का रिजल्टेंट कौन है? आर। तो अगर मैं एफ वन को इधर घटक करता हूं, एफ टू F3 और F4 सबको इस दिशा में घटक करके अगर जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो वो किसके बराबर होगा? इस बल के इस दिशा में घटक के बराबर होगा। तो मैंने सारे एंगल x एक्सिस के साथ लिए हैं। तो आप देखो, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस हिंदी में भी लिख देता हूं, सभी बलों का क्षैतिज घटक। तो देखो, परिणामी बल का कितना है, आर कॉस थीटा, ये आर है, ये थीटा है, अगर इधर लाओगे तो इसका कंपोनेंट आर थीटा, आर कॉस थीटा हुआ। तो इसी तरह से इक्वल किसके होगा, F1 cos थीटा 1, दूसरे फोर्स का F2 cos थीटा 2, और तीसरे F3 cos थीटा 3, और F4 cos थीटा 4।
इन सब फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दूं तो वो मेरे रिजल्टेंट फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा। अब आपको मालूम है कि ये सारी वैल्यूज नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन यानी दी हुई होती है। तो जब आप इन सब को थीटा और F1, F को वैल्यूज को रखकर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला आया वो आ गया फोर्स और उसका x की डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो मेरा r cos थीटा इक्वल टू इन सब की वैल्यू को मैंने सिग्मा fx से लिख दिया और वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आ रहा समझ में? चलिए इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। वर्टिकल कंपोनेंट में देखो बेटा F1 sin theta 1, F2 sin theta 2 plus F3 sin theta 3 plus F4 sin theta 4 सबको ऐड कर दिया तो वो r sin theta के इक्वल होगा। इन सबको कैलकुलेटर से वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो हम उसको सिग्मा FY से लिख देंगे क्योंकि वो y एक्सिस पर आएगा। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बना? r sin theta इक्वल टू सिग्मा FY इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? अब देखो मुझे इन दोनों इक्वेशन से r भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। तो इसका एक ही प्रोसेस है कि समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो पहले का r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। कुछ बुक्स में सिग्मा fx की जगह कैपिटल x लिखा हुआ मिलेगा और सिग्मा fy के स्थान पर कैपिटल y लिखा हुआ मिलेगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सब में है। अब देखो इसको ओपन करोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 इक्वल टू सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो बताओ पिछले वाले वीडियो में भी बताया था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसको यहां से हटाकर हम इक्वल टू 1 रख देंगे। तो इक्वेशन क्या बची? r स्क्वायर इनटू 1, तो ये मेरा हो गया r स्क्वायर इनटू 1 इक्वल टू सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो r इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। तो ये हमारा परिणामी जो बल है उसका परिमाण आ गया। परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर है? अब मुझे इसकी दिशा ज्ञात करनी है। दिशा यानी डायरेक्शन। मैंने आपको शुरू के इस वीडियो में कहा था कि जब भी मुझे दिशा डायरेक्शन निकालनी है तो मैं हमेशा tan थीटा लूंगा। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, इक्वेशन नंबर 2 और 1, इन दोनों में क्या करें कि tan थीटा आ जाए। tan थीटा कैसे आता है? sin थीटा upon cos थीटा, यानी इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड करेंगे तो
समीकरण दो में समीकरण एक का भाग लगाने पर, क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। इंग्लिश में अगर लिखें डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, ये देखिए कितना है इक्वेशन टू, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा इक्वल टू इसका राइट साइड में सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, आर से आर कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एफ एक्स, यहां से थीटा निकाल लीजिए, टेन को उधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो गया परिमाण मैग्नीट्यूड का और ये दिशा और डायरेक्शन का। तो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन सामान्य आता है, इसमें दो तीन चार बल अगर दिए हुए हैं अपने अपने एंगल के साथ, तो उन सब का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में यानी क्षितिज और ऊर्ध्वाधर में कंपोनेंट घटक करके आप इस फॉर्मूले से यूज करोगे। ये जो सारी वैल्यूज रखोगे तो उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर एक वैल्यू आएगी, इसकी भी वैल्यू आएगी, तो इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर कर देना, फिर दोनों को जोड़ देना तो आर आ जाएगा, उन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देना एफ पाई अपॉन एफ एक्स की, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये सीखना जरूरी है। मैंने कोशिश की है कि इसको बिल्कुल सीधे तरीके से और बिल्कुल सिंपल मेथड से इसको मैंने डेरिवेशन आपको कराया है। ओके, तो अभी हमने एक बिंदु पर लगने वाले बहुत सारे बलों के कारण उनके परिणामी बल आर और थीटा का मान हमने ज्ञात किया। आर का वैल्यू अगर किसी सवाल में आता है, इसका मतलब यह है कि उन सारी बलों के कारण वस्तु अपनी आर की दिशा में गति कर रही है। लेकिन हम ऐसा माने कि बहुत सारे बल लगने के बावजूद भी अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर हम वस्तु साम्य अवस्था में। जैसे इस बोर्ड पर मैं ऐसे बल लगा रहा हूं एक दो तीन, लेकिन वस्तु बोर्ड की स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ये बोर्ड आपका साम्य अवस्था में है। अब हमें ये पता करना है कि साम्य अवस्था कब आती है सूत्र के अनुसार। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, हेडिंग है मेरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम तो हिंदी में क्या होगा, साम्य अवस्था की शर्तें। देखो हमने ये पढ़ा था कि R बराबर अंडर रूट ऑफ क्या है, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। अब ये कहता है कि यदि वस्तु साम्य अवस्था में है, यदि वस्तु साम्य अवस्था में है तो R बराबर जीरो होना चाहिए। अगर परिणामी बल जो किसी वस्तु को थीटा की दिशा में गति कराता है तो अगर R का मान जीरो हो जाए तो वस्तु गति नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट का नाम स्थिति विज्ञान स्टैटिक है जिसमें वस्तु गति नहीं करनी चाहिए, तो R का मान जीरो होगा। अब देखो बेटा सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर करें और सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर करके जोड़ दें तो आंसर उसका अंडर रूट निकाल दें तो आंसर क्या आता है, आर आता है। ठीक है बेटा, अब समझो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो तो स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस आएगा। ठीक, इसी तरह से सिग्मा एफ वाई की वैल्यू भी प्लस हो या माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं मैं
कि ये दोनों की वैल्यू प्लस है और प्लस की वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, यानी 5 और 9 है ना, ऐसे किसी को भी अगर हम जोड़े तो जीरो नहीं आएगा, तो आर का मान भी जीरो नहीं आएगा। आ रहा समझ में? तो इन दोनों की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू खुद जीरो हो जाए, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू खुद जीरो हो जाए, तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, तो आर बराबर जीरो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो और सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो। तो ये दो हमारी शर्तें हैं किसके लिए? साम्यावस्था के लिए। सिग्मा एफ एक्स का पूरा क्या एक्सप्लेनेशन होगा? सिग्मा मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। लिख दें, दी एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। हिंदी में, सभी बलों के क्षैतिज घटकों का मान का बीजगणितीय योग, शून्य होगा, होता है। इसी तरह से हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या होगा? दी एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। और हिंदी में, सभी बलों के उदग्र घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ओके, तो ये साम्यावस्था की हमारी दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि अगर सभी बलों का क्षैतिज घटकों का योग करें तो जीरो होना चाहिए, और सभी बलों का ऊर्ध्वाधर घटकों का योग भी जीरो होगा, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में होगी या साम्यावस्था में होगी। आगे के सवालों में कभी तो हमें वो कहेगा परिणामी बल का मान आर ज्ञात करो, आर और थीटा, और कभी कहेगा कि अगर सारी वस्तु में किसी वस्तु पर सभी बलों के कारण वस्तु साम्य अवस्था में है तो क्या कंडीशंस होगी, और फिर क्या प्रश्न में पूछेगा वो हम आगे करेंगे, है ना। तो अभी आपको क्या चीज समझ में आई? दो, कि अगर सभी बलों का क्षैतिज घटकों का योग जीरो होना चाहिए और ऊर्ध्वाधर घटकों का योग भी जीरो होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। एग्जाम में, एमसीक्यू में, आप इक्विलिब्रियम की शर्त पर, ये हो सकता है कि आर इक्वल टू जीरो कोई ना कोई एक ऑप्शन हो, या सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई का भी कोई ऑप्शन जीरो हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारा, अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स पे, न्यूमेरिकल सवाल पे। ओके, सबसे सिंपल सवाल दे रहा हूं कि जब एक बिंदु पर 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा या 4 बल लगते हैं तो उनका आर और थीटा कैसे निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक बिंदु पर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल का
क्रमशः उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इनका आर और थीटा का मान निकालना है ना। तो इंग्लिश में ये है कि फोर्सेस 1 न्यूटन 2 5 एंड 3 न्यूटन एट ए पॉइंट, ये चार फोर्स है ये एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आप इनका रिजल्टेड आर और थीटा फाइंड करना है। ओके क्लियर ना। चलिए तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का आइडिया होना चाहिए। ये मैंने आपकी डायरेक्शंस बना दी, आपको ध्यान हो तो ये उत्तर दिशा है यानी नॉर्थ है और ये आपका दक्षिण दिशा है साउथ और ये आपका वेस्ट है यानी कि पश्चिम दिशा और ये आपका ईस्ट है, इसको हम पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि पहला जो दिशा है उत्तर यानी नॉर्थ, नॉर्थ पर एक न्यूटन का है तो इधर मैंने न्यूटन लिख दिया, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में एक न्यूटन, दो न्यूटन है आपका पूर्व यानी ईस्ट पे, ये आपका दो न्यूटन हो गया। ठीक, पांच न्यूटन का है दक्षिण में यानी साउथ में, तो ये आपका दक्षिण यानी 5 न्यूटन हो गया और 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये मैंने ऐसे फोर्स बना दिया आपके पास 3 न्यूटन के। ठीक है, दिशाओं का ध्यान रखना है और ध्यान रखने के साथ साथ आपको वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में लिखना है ये इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए अब आपको ये ध्यान हो कि दिशाओं का यहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि जब हम x की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस लिखते हैं, इधर जाते हैं तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस पे प्लस और y एक्सिस पर नीचे जाएंगे तो माइनस में, यानी ये और ये दोनों प्लस में और ये दोनों माइनस में। अब इसमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपकी दिशा दी हुई है जिसमें आपको मालूम है कि इधर अगर वैल्यू है तो प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। एंगल होता तो हम f cos थीटा और ये लिखते। तो सबसे पहले हमें ये मालूम है कि r is equal to formula है सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा fx का क्या मीनिंग है कि जो x की डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उन सब का एल्जेब्रिक सम। ये x एक्सिस है तो इसको चाहो तो आप x एक्सिस माइनस x प्लस y और माइनस y भी लिख सकते हैं। तो x पे जो x की वैल्यू है वो कितना न्यूटन है, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारा। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम देखिए, एक बिंदु पर एक न्यूटन, दो न्यूटन, पांच न्यूटन और तीन न्यूटन के बल लग रहे हैं उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में है, तो इनके परिणामी बल का परिमाण और दिशा यानी दिशा ज्ञात करना है। तो हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए। इंग्लिश में देखो, फोर्सेस 1 न्यूटन 2 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट इन नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। दिशाओं का ज्ञान आपको है, हमने स्कूलों में भी पढ़ा है और सारा है, तो आपको आर और थीटा ज्ञान है। ये देखिए, ये हमारा उत्तर दिशा होता है, ये हमारा दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये हमारा पूर्व दिशा है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है। अब एक न्यूटन का, ये देखिए, एक न्यूटन उत्तर दिशा में है तो मैंने उत्तर दिशा में एक न्यूटन, दो न्यूटन मेरा पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा यानी दो न्यूटन, ईस्ट में दो न्यूटन है, साउथ यानी दक्षिण में पांच न्यूटन है तो ये साउथ या दक्षिण में पांच न्यूटन, और तीन न्यूटन का पश्चिम या वेस्ट दिशा में है आपके पास वैल्यू, मैंने यहां पर डायग्राम में पहले से बना के रख लिया।
समय बचेगा। ओके समझ में आ रहा है। अब हमें ये ध्यान है कि जब हम x की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस होता है, जब हम x की विपरीत दिशा में यानी ऑपोजिट जाते हैं तो माइनस x होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस y और नीचे जाते हैं तो माइनस y। तो यहाँ पर ये जो हमारा फोर्स है जिसको हम चाहे तो लिखते हैं F1 जो है वो है आपका प्लस 2 न्यूटन, और अगर हम यहां देखें है ना तो चलो ये नहीं करते। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, R इक्वल टू क्या था, सिग्मा Fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy का होल स्क्वायर। अब सिग्मा Fx चाहिए, सिग्मा Fx क्या था कि जितने भी बल x दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उन सबको हमें जोड़ना है, x की प्लस दिशा हो तो प्लस करना है, माइनस दिशा हो तो माइनस करना है। तो इधर देखिए ये प्लस का है तो मैंने प्लस 2 लिख दिया, और इधर कितना है 3 है तो मैंने माइनस 3, तो ये मेरा माइनस 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हम सिग्मा Fy ऊपर होगा तो प्लस और नीचे होगा तो माइनस, ऊपर 1 है और नीचे 5 है तो आंसर इज -4, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और इन सब का रिजल्टेंट कितना है R, और वो हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखिएगा जब भी हम ऐसा डायग्राम देंगे तो R ये एक संकेतिक रूप में हमने बनाया है ना, हो सकता है जब हमारे आंसर आएंगे तब आपको पता लगेगा कि यहां बनेगा कि इधर बनेगा कि या इधर या किसी क्वाड्रेंट में बनेगा है। तो सबसे पहले हमें ये दो वैल्यूज हैं इन दोनों को यहां रखेंगे, तो R इज इक्वल टू सिग्मा Fx कितना है -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हुआ 1 और ये -4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 1 अंडर रूट 17 हो गया। तो ये जो वैल्यू है R इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4.12 न्यूटन। अरे क्लियर समझ में, तो क्या आ गया R। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन फॉर्मूला बोलो, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स सिग्मा Fy अपॉन सिग्मा Fx। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स -4/-1। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स आपको सीखना है कि देखो ऊपर की वैल्यू माइनस है और नीचे की भी माइनस है। आपको ध्यान होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये ऊपर की वैल्यू साइन थीटा की है और नीचे की वैल्यू कॉस थीटा की है। तो साइन और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आपका होता है, तो यहां पर आपको ध्यान है तो सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और ये आपका कॉस पॉजिटिव। तो टेन पॉजिटिव कहां है, टेन देखो माइनस से माइनस कर गया आंसर पॉजिटिव, तो टेन पॉजिटिव इसमें आएगा। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो परिणामी बल है वो परिणामी बल मेरा उस क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें मेरे ये टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसका जब हम आंसर करेंगे तो इसका आंसर 58.8 डिग्री के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू चल गई। अब हम इसमें इसका अगर आंसर बना दें पूरे में तो हमारा क्या बनेगा, ये आपका R हो गया, R की वैल्यू 4.12 न्यूटन और इस दिशा से एंगल 78.8 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एक तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, उसके बाद प्लस और माइनस की वैल्यूज रखनी है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है, और इस एंगल्स का ध्यान रखना है क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये टर्म माइनस की है और ये टर्म माइनस की है, तो साइन और कॉस माइनस किसमें होते हैं, इस थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 78.8। इसका मीनिंग है कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा।
क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, लॉजिक्स भी है और समझ में भी आपको